दोस्तों, चीन की तरफ से मिलने वाली नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी सेना में काफी सारे बदलाव कर रहा है। चाहे हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात करें या फिर रॉकेट फोर्स की, भारत अब अपने आर्म फोर्सेस के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहा है ताकि हमारी सेना मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार युद्ध क्षेत्र में काफी इफेक्टिव तरीके से लड़ाई लड़ सके और चीन जैसी चुनौती का सामना करने में हमें कोई भी परेशानी न हो। क्योंकि इस बात से आज कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि चीन भारत से एक बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ अपने डिफेंस पर हमसे कहीं गुना ज्यादा खर्च करता है। लेकिन क्योंकि हम चीन जितना डिफेंस बजट हर साल नहीं रख सकते, इसीलिए हम अपनी सेना के बेसिक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव कर रहे हैं। साथ ही भारत ने अपने पास मौजूद हथियारों को भी अपग्रेड करने का फैसला लिया है, जो चीन के खिलाफ हमें टैक्टिकल एडवांटेज दे सकता है। और इन्हीं सब बदलावों के बीच एक काफी ऐतिहासिक आइडिया सामने आया जब भारत को चीन के तर्ज पर एक रॉकेट फोर्स बनाने की जरूरत महसूस हुई, जिसका काम सिर्फ भारत के पास मौजूद सभी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को संभालना होगा। साथ ही हमारे रॉकेट फोर्स की इन्वेंट्री में न्यूक्लियर और कन्वेंशनल मिसाइलें दोनों शामिल होगी, जिसे लेकर अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई है। और इस रिपोर्ट में भारत के रॉकेट फोर्स पर बात करते हुए ये बात कही गई है कि हमारी सेना के इस महत्वपूर्ण डिवीजन को एक हकीकत बनाने के लिए ग्राउंड वर्क तेजी से जारी है, लेकिन अगर हमें इसे सफल बनाना है तो भारत को हजारों की संख्या में लो कॉस्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल की जरूरत होगी, जो एक ऐसा लेसन है जिसे हमने यूक्रेन युद्ध को ध्यान से समझकर जाना। क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस ने अपने महंगे बैलिस्टिक मिसाइल से काफी नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन एक वक्त के बाद रशियन इन्वेंट्री पूरी तरह से खाली हो गई और क्योंकि ये मिसाइल महंगे थे, इसीलिए इन्हें फिर से बनाने में काफी समय भी लगा, जिसने भारत के लिए ये बात साफ कर दी कि अगर कल को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हम किसी युद्ध में हिस्सा लेते हैं तो हमारी रॉकेट फोर्स के पास हजारों की संख्या में लो कॉस्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल होनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल हम काफी सोच समझकर हाई वैल्यू टारगेट को तबाह करने में करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज मौजूद होंगे उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना ही हमें युद्ध में जीत दिला सकता है, जिसे समझते हुए भारत ने दो काफी बड़े कदम उठाए हैं, जिसके तहत सबसे पहले तो हमने अपनी मौजूदा जरूरत को पूरा करने के लिए 250 एडिशनल प्रलय मिसाइलों के ऑर्डर दिए हैं और दूसरा कि अब भारत टैक्टिकल एंड बैलिस्टिक मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग में अपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी इनवाइट कर रहा है, ताकि हमारी प्राइवेट कंपनियां भारत के रॉकेट फोर्स के लिए ऐसे मिसाइल सिस्टम लेकर सामने आए जिनकी क्षमता में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और उनकी कीमत भी कम हो, ताकि हम इन मिसाइलों को काफी बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर करके इस्तेमाल कर सके। और ऐसा ही एक सिस्टम भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी सोलर इंडस्ट्री ने भारतीय सेना को ऑफर किया है, जिसका नाम महेश्वराष्ट्र 1 और महेश्वराष्ट्र 2 है, जो अमेरिका के हिमार्स की तरह ही एक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। बता दें कि महेश्वराष्ट्र 1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर की है, जबकि महेश्वराष्ट्र 2 290 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। पर इस मिसाइल सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को माना जा रहा है, क्योंकि सोलर इंडस्ट्री ने कहा है कि ऐसा हर एक मिसाइल सिस्टम सिर्फ 8 करोड़ रुपए प्रति यूनिट के दर से प्रोड्यूस किया जा सकेगा, जबकि ऐसे सिमिलर सिस्टम की कीमत आज 40 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है। मतलब भारत अब इस श्रेणी के गाइडेड रॉकेट सिस्टम 5 गुना कम कीमत पर बना सकेगा, जो हमारे रॉकेट फोर्स में एक काफी महत्वपूर्ण हथियार साबित होंगे। इसी बीच चीन को काउंटर करने के लिए जहां एक तरफ भारत रॉकेट फोर्स जैसे महत्वपूर्ण डिवीजन का निर्माण कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ हमने अरुणाचल प्रदेश में हाईवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा अपग्रेड कर दिया है, जिससे जुड़ी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बात कंफर्म कर दी गई है कि पिछले 8 सालों में अरुणाचल प्रदेश के हाईवे नेटवर्क में 65% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो काफी इम्प्रेसिव है। क्योंकि इस ग्रोथ से न कि सिर्फ भारत आसानी से अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड इलाकों तक पहुंच सकता है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में मौजूद लोगों और लोकल कम्युनिटी को भी कई तरह की सुविधाएं मिल रही है। वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार दोनों का ही पूरा फोकस अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर टिका है, क्योंकि जब तक हम अरुणाचल प्रदेश के रिमोट इलाकों को बड़े शहरों और नेशनल हाईवे के नेटवर्क से सही तरह से नहीं कनेक्ट करेंगे, तब तक अरुणाचल प्रदेश में न तो प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जा सकेगी और न ही हम कनेक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। इसीलिए पिछले 8 सालों में भारत ने अपना पूरा ध्यान इस इलाके में हाईवे डेवलपमेंट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया, जिसका असर अब हम इस रीजन में आर्थिक और सामाजिक विकास के तौर पर साफ तौर पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए हर स्तर पर काम कर रहा है,
जिसमें मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी सभी शामिल है, ताकि हम अपनी तैयारियां सिर्फ एक डोमेन में लिमिटेड ना रखें बल्कि चीन के खिलाफ मल्टी डायमेंशनल तैयारी करें, जिससे हम अपने विकास को सुनिश्चित करते हुए चीन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।